भारत को रेलवे लाइन बिछानी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना लेट हुआ कि ईरान ने कैंसिल कर दी। भारत सरकार को ये सब चीज को प्राइवेट करना चाहिए। अडानी को दे देते, पहले ट्रेनें चला देता, बाद में पटरी बिछाता। जी अगर ये सड़क बन जाता, इनकेस लड़ाई होगी ना। समुंदर के नीचे देखिए, ईरान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ एक होगा ग्वादर चाबहार बंदरगाह। मिल गया, कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? नहीं मिला। चाबहार बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? भारत। और यहाँ ग्वादर कौन डेवलप कर रहा है? चाइना। यहाँ से सड़क कौन ले जा रहा है? चाइना। और भारत यहाँ से सड़क ले जा रहा है, यहाँ से बंदरगाह, और यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया में। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में। चाबहार मिल गया। चाबहार के ऊपर देखेंगे जाहेदान। ऊपर देखिए जाहेदान, चाबहार के ऊपर जाहेदान। तो चाबहार से जाहेदान तक भारत को रेलवे लाइन बिछानी थी। भारत को क्या बिछानी थी? रेलवे लाइन। और यहाँ से फिर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक सड़क बनाना था। क्या बनाना था? सड़क बनाना। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना लेट हुआ कि ईरान ने कैंसिल कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? कैंसिल। भारत सरकार को ये सब चीज को प्राइवेट करना चाहिए। अडानी को दे देते, देखिए तुरंत बना देता, पहले ट्रेनें चला देता, बाद में पटरी बिछाता। ढलैया करके चला कता भी चला दे, ऐसे बाद में देखा जाएगा। कहने का सेंस, डेडिकेशन देखिए उन लोगों का। तो सरकार इसको अपने हाथ में ली। सोचिए अगर ये सड़क बन जाता तो यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन बन जाती, यहाँ से काबुल तक सड़क, और काबुल से दुशांबे। यहाँ हमारा यहाँ सैन्य अड्डा है। हमारा यहाँ क्या है? सैन्य अड्डा। इनकेस लड़ाई होगी ना तो हम लोग इधर बम मारेंगे लोग, समझ में आया? इधर या तो हम लोग मारेंगे लोग, उधर ही मारेंगे लोग, ताकि डाइवर्ट हो सब, उधर भी क्या हो सब, डिस्टर्ब हो सब। वहाँ कनेक्टिविटी का कितना अच्छा रास्ता था कि नहीं था? लेकिन हम लोग का क्या हो गया? लेट हो गया। यहाँ बाद में फिर से भारत उससे बात कर रहा है कि दे दो भैया, आपकी जल्दी चालू करा देंगे।